हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015 के। सो गाइस, जैसा हमें पता है कि भाई हर साल दो बार नेट का पेपर होता है, प्लस पहले सेकंड और थर्ड पेपर होते थे। सो बेसिकली 2015 के जून और दिसंबर दोनों एग्जाम के पेपर उसमें इंक्लूड होंगे, प्लस सेकेंड और थर्ड पेपर दोनों के क्वेश्चन, राइट। सो गाइस, हम अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। सो लास्ट थ्री वीडियोस में हम टिल क्वेश्चन नंबर 59 तक कवर कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। सो गाइस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें पता चलता है कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 60 इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप्ड डिमांड कर्व ऑन ऑल इट्स पॉइंट्स। सो गाइज, जो हमारी इलास्टिसिटी का टॉपिक है, वन क्वेश्चन डेफिनेटली फ्रेम हो रहा है उसमें से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से। सो आपको इलास्टिसिटी अच्छे से कवर होनी चाहिए कि लाइक आर्क इलास्टिसिटी क्या होती है, पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी, हमारी इनकम इलास्टिसिटी, हमारी लाइक प्राइस इलास्टिसिटी, देन क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। सो ये सब टॉपिक्स आप लोगों को टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात हो रही है। देखो, हम दोनों सिचुएशन डिस्कस करते हैं। ये हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और ये हमारा स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है। सो यहाँ पे इलास्टिसिटी और स्लोप दोनों सिचुएशन में कैसे होंगे हम वो देखेंगे, ठीक है। सो स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे इलास्टिसिटी हमारी इक्वल टू वन होती है, यहाँ पे हमारी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन, देन इलास्टिसिटी जीरो, देन लाइक इट इज़ लेस देन वन, एंड यहाँ पे हमारी इलास्टिसिटी जीरो होती है। सो वी कैन से दैट कि स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व जो होता है हमारा, उसकी इलास्टिसिटी डिफरेंट होती है हर पॉइंट पे, बट उसका स्लोप सेम होता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। स्लोप कैसे होता है कि लाइक डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, कि भाई पी में कितना चेंजेस हुआ, सो उसके अकॉर्डिंग क्यू में कितना चेंज हो रहा है, इससे हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं। सो ये थी इन्फॉर्मेशन हमारी स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व की। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की अगर हम बात करें, सो इसके हर पॉइंट पे इलास्टिसिटी सेम रहती है बट स्लोप डिफरेंट होता है, राइट। सो गाइस, ये चीज़ आप दोनों आपको पता होना चाहिए, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सो इट हैज़ लाइक इक्वल स्लोप फॉर प्राइस डिमांड, नो, स्लोप तो डिफरेंट होता है। वेरिंग प्राइस इलास्टिसिटी, नो, प्राइस इलास्टिसिटी हमारी सेम होती है। बोथ स्लोप एंड प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल, नो। सो द राइट आंसर इज प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू यूनिटी एंड स्लोप इज डिफरेंट एट एवरी पॉइंट। सो इसको हम ऐसे भी मार्च ऑन कर सकते हैं, इसको ऐसे कि कंप्लीट लाइन हमारी बन जाएगी, क्वेश्चन नंबर 60 के लिए राइट आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ए परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फॉर्म। देखो, परफेक्ट कॉम्पिटिशन फॉर्म की बात हो रही है। टॉपिक है हमारा मार्केट टाइप, सो टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर वेल अर्निंग अबनॉर्मल प्रॉफिट्स ऑपरेट्स एंड आउटपुट लेवल वेयर। देखो, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए अबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, इट मीन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सो बेसिकली सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, अबनॉर्मल प्रॉफिट जो होता है, ये लॉन्ग रन में पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट वाली जो सिचुएशन है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, उसकी वजह से परफेक्ट कॉम्पिटिशन की सिचुएशन में सिर्फ लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, राइट। सो बेसिकली फॉर्म प्राइस टेकर होती है, इसमें एंट्री बैरियर्स नहीं होता है, ठीक है। सो व्हेन ए प्राइस कॉम्पिटिटिव फॉर्म मेक्स अबनॉर्मल प्रॉफिट, मींस टीआर इज ग्रेटर देन टीसी, इज द फाइनाइट नंबर ऑफ फर्म्स विल बी अट्रैक्टेड टू एंटर द फर्म। सो ये शॉर्ट रन की बात यहाँ पे हो रही है। सो अबनॉर्मल प्रॉफिट हमारा कब होगा, जब हमारा टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज़्यादा होगा, नॉर्मल सी बात है। सो ये जो पोर्शन है कि लाइक यहाँ पे हमारी एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एवरेज कॉस्ट, सो ये पोर्शन हमारा प्रॉफिट शो कर रहा है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा कि भाई इस सिचुएशन में क्या होगा। सो इट ऑपरेट्स एन आउटपुट लेवल वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज हायर देन एवरेज कॉस्ट, राइट। सो जैसे कि अगर हम डायग्राम में देखेंगे, सो हमारी मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है और हमारी एवरेज कॉस्ट कम है। सो ये जो पॉइंट यहाँ पे होगा, ये जो डिफरेंस होगा, ये हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट शो करेगा, ठीक है। सो ये ऐसे डायग्राम ड्रॉ किया क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट इज हायर देन एवरेज कॉस्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो गाइज, क्वेश्चन केयरफुली रीड करना, यहाँ पे इट मे बी पॉसिबल कि ट्रू होता
और यहाँ पे अभी फॉल्स गिवन है, सो आपको क्वेश्चन ध्यान से रीड आउट करना है, राइट? सो नॉर्मली डिमांड कर्व, प्राइस डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो बिल्कुल ठीक है. अगर हम डिमांड कर्व ड्रॉ करेंगे सो हमारा ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है प्लस ये लेफ्ट टू राइट होता है, राइट? सो देखो, ये इधर मैं जाती हूँ तो मेरा टू द राइट, और मैं अगर इधर जाती हूँ तो मेरा टू द लेफ्ट. सो ये चीज़ नॉर्मल सी बात है, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन डिनोट्स इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप ड्यूरिंग शॉर्ट रन, ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है. नाउ इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड इकोनॉमीज ऑफ स्कोप बोथ आर सेम, नो, बेसिकली दे बोथ आर डिफरेंट एंड दैट इज वाई द स्टेटमेंट इज फॉल्स. सो अभी हम कंसिडर करते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल का क्या मतलब है, कि अगर मैं एक ही प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करूँगी सो मेरी एवरेज कॉस्ट, इट मीन्स पर यूनिट कॉस्ट मेरी डिक्लाइन होती जाएगी. सो ये होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि भाई आप एक प्रोडक्ट को जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसको लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हो सो आपका क्या इम्पैक्ट होगा एवरेज कॉस्ट पे. अगर हम बात करें इकोनॉमीज ऑफ स्कोप, कि भाई आपकी इंडस्ट्री में आप कितने वेराइटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, ये होता है स्कोप. सो बेसिकली दे बोथ आर डिफरेंट, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि हमें फॉल्स स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है, राइट? नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज फॉर ऑप्टिमाइजेशन, इट मीन्स इक्विलिब्रियम, इक्वालिटी बिटवीन एम सी एंड एम आर इज अ नेसेसरी कंडीशन बट नॉट ए सफिशेंट, बिकॉज एम सी एम आर इक्वल्स टू एम सी होना चाहिए एंड एम सी मस्ट बी राइजिंग, ये कंडीशन होगी तभी ये फुलफिल होगा, राइट? सो ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है, सो राइट आंसर हमारा सेकेंड हो जाएगा. सो यहाँ पे मैंने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में इंक्लूड किया है. सो ये क्या होता है, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, इफेक्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर ऑन फिक्स फैक्टर एंड ऑन आउटपुट इन द शॉर्ट रन. सो बेसिकली लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमारा शॉर्ट रन में होता है. जैसे कि हमें पता है कि शॉर्ट रन में हमारे कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं और कुछ फैक्टर्स हमारे वेरिएबल होते हैं, बट अगर हम लॉन्ग रन की बात करेंगे सो लॉन्ग रन में हमारे सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होता है, राइट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है. क्रॉस डिमांड ओलिगोपोली, कार्डिनल अप्रोच एंड पायनियर प्राइसिंग. सो गाइस, क्रॉस डिमांड क्या होगा, देखो रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ वन कॉमोडिटी एंड डिमांड फॉर अदर प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूट गुड्स की, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, कि भाई अगर एक प्राइस में चेंज होता है सो दूसरे गुड की, जो दूसरा गुड है चाहे वो सब्स्टिट्यूट हो या कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो, उसकी डिमांड में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, दिस इज क्रॉस डिमांड और वी कैन से दैट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो बी को जब हम वन से मैच करेंगे हमारे सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे और राइट आंसर सेकेंड मिल जाएगा. नाउ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सो इट इज़ रिलेटेड टू कार्डिनल अप्रोच, कि भाई जैसे जैसे हम एडिशनल प्रोडक्ट का कंजम्पशन करेंगे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती जाती है, राइट? स्किमिंग, नाउ स्किमिंग द क्रीम पॉलिसी इज रिलेटेड टू पायनियर प्राइसिंग. सो प्राइस रिजिडिटी क्या होता है हम डिस्कस कर चुके हैं और ये ओलिगोपोली से रिलेटेड होता है. यहाँ पे ये पॉइंट नया है, हम इसको डिस्कस करते हैं. सो पायनियर प्राइसिंग द न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी ऑफ चार्जिंग द हाइएस्ट पॉसिबल प्राइसिंग टू द रीगेन कॉस्ट क्विकली and or setting the price below competitor price to build sales quickly. So basically देखो दो तरह की pricing होती है, एक तो होती है skimming pricing, एक होती है हमारी penetration pricing. So skimming pricing में हमेशा high price charge करता है starting में, और penetration pricing में हमेशा लो प्राइस चार्ज करता है. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कौन सी मार्केट में कैसी इलास्टिसिटी होगी तब वो एप्लीकेबल होगा. ये चीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि क्या आप लोगों को याद है कि स्कीमिंग प्राइसिंग में कौन सी इलास्टिसिटी होगी ग्रेटर देन वन या लेस देन वन, और पेनिट्रेशन में कौन सी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी तब वो लो प्राइस चार्ज करेगा. सो गाइस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितना केयरफुली वीडियो को एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 64. सो गाइज पहले थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक पुट ऑन हो जाता था इकोनॉमिक्स में, सो हम डिस्कस करते हैं कि हमें इनको कैसे करना है. द फॉलोइंग आर द डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन इन द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड द इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस वुड बी.
सो गाइस, क्वेश्चंस को करने के दो तरीके होते हैं, मैं आप लोगों को इजी तरीका बताऊंगी. देखो, यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन की बात हो रही है. हमें पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, और वहाँ से हम प्राइस बेसिकली ड्रॉ करेंगे, और वो प्राइस हर फॉर्म को मान के चलना पड़ेगा. इस तरह से हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस ड्रॉ करते हैं, राइट? सो ये इक्विलिब्रियम प्राइस कहाँ पे होगा? जहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांड एक दूसरे के इक्वल होंगी. नॉर्मल सी बात है, इतना आपको समझ आया होगा कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हर फॉर्म प्राइस टेकर होती है, प्राइस मेकर नहीं होती है. अब हम देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे. देखो, सो इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस हमें पता चल गया कि भाई कौन सा होगा. ऑप्शन फर्स्ट से चूज करते हैं. मान लो कि प्राइस अगर 24 होगा, 24 अगर मेरा प्राइस होगा, सो पहले फंक्शन में मैं वैल्यू पुट करती हूँ और देखती हूँ कि क्वांटिटी सप्लाई कितनी आती है, ठीक है? सो ये इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, 12 इक्वल्स टू 0.3. सो इसको भी अगर हम इधर शिफ्ट कर देंगे, सो ये 40 क्वांटिटी सप्लाइड हमारी हो जाएगी, ठीक है? इसी तरह प्राइस जो कि 24 है, सेकंड फंक्शन में वैल्यू पुट कर रहे हैं. सो बेसिकली यहाँ पे भी अगर हम देखो, अभी ये माइनस का है, इसको इधर लेकर आएंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 24 को इधर लेकर आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा. सो 0.4 QD इक्वल्स टू 16 एंड क्वांटिटी डिमांड हमारी यहाँ पे भी 40 हो जाएगी. इट मीन्स कि भाई अगर प्राइस 24 है, सो डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो रहे हैं, सो इट मीन्स कि ये इक्विलिब्रियम प्राइस होगा, ठीक है? सो गाइज, आपको क्वेश्चन में इस तरह से वैल्यू पुट करके देख लेना. क्वेश्चन में अगर परफेक्ट कंपटीशन गिवन है, तो वहाँ पे प्राइस डिटरमाइन होगा जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होंगी, और इस तरह से आपको क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है जस्ट बाय पुटिंग द ऑप्शंस, राइट? सो आप बाकी कोई भी ऑप्शन पुट करके देखोगे, क्वांटिटी सप्लाइड और डिमांड इक्वल नहीं आएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन ए कंज्यूमर इंक्रीजेस यूनिट एक्स कमोडिटी बाय गिविंग अप सम यूनिट ऑफ वाई कमोडिटी इन टू अटेन सम सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. सो इट मीन्स गाइज, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? इंडिफरेंस कर्व की. सो इंडिफरेंस कर्व हमारा ये होता है, ये देखो, गुड एक्स यहाँ पे है, गुड वाई वहाँ पे है. ये बोल रहा है कि भाई हम गुड वाई का सेक्रीफाइस करते हैं तभी हम एक्स का ज़्यादा ज़्यादा कंज्यूम कर पाएंगे और सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा. सो वी हैव टू कैलकुलेट द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. सो हम कैसे निकालेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन? भाई कितना हमने वाई का सेक्रीफाइस किया डिवाइड बाई कितना हमने एक्स को गेन किया, नॉर्मल सी बात है. सो जस्ट आप डायग्राम बनाना, वाई और एक्स को पुट करना और देखना कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, राइट? सो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारा चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स कमोडिटी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फॉलोइंग इज द डिमांड फंक्शन इन द स्मॉल मार्केट. क्यू डिनोट्स क्वांटिटी इन फिजिकल यूनिट्स एंड पी डिनोट प्राइस एंड वी हैव टू कैलकुलेट द पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट प्राइस 5, राइट? सो गाइज देखो, मान लो कि अगर प्राइस 5 रुपीज़ है, सो हमारी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? पहले हम प्राइस की वैल्यू पुट कर देते हैं. सो हमारी इस सिचुएशन में क्वांटिटी हो जाएगी 25, राइट? अब मान लो कि प्राइस अगर 7 रुपीज़ है, सो इस सिचुएशन में क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 50 माइनस 35. सो हमारी क्वांटिटी कितनी आ गई? 15, राइट? सो यहाँ पे देखो कि भाई जब प्राइस 5 था, सो ये 25 है, और जब प्राइस अगर 7 रुपीज़ होता है, सो क्वांटिटी डिमांड 15 है. सो P1 Q1 कर लेंगे. पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू. सो डेल्टा क्यू मीन्स चेंज इन दिस. सो चेंज कितना हो रहा है? 10 यूनिट्स का. प्राइस में कितना चेंज हुआ? 2 रुपीज़. प्राइस पहले कितना था? 5 रुपीज़. और क्वांटिटी पहले कितनी थी? 25 रुपीज़. सो इसको हम करें स्टार्ट. सो ये 5 से कट हो गया, ये 5 से कट हो गया, और ये 1. सो इट मीन्स पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी यहाँ पे इक्वल्स टू 1 होगी, इक्वल टू यूनिटी होगी, राइट? सो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कॉब डुगल्स प्रोडक्शन फंक्शन. सो कॉब डुगल्स प्रोडक्शन फंक्शन में हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है. प्रोडक्शन फंक्शंस गिवन है एंड नेम ऑफ शेप्स ऑफ रिटर्न्स टू स्केल गिवन है. सो गाइस देखो, इसमें ये होता है कि ये जो हमारी अपर वैल्यूज होते हैं ना, अगर इनका टोटल इक्वल्स टू 1 होता है, सो इट मीन्स इट इज कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. अगर इनका टोटल ग्रेटर देन 1 होता है, सो इट मीन्स इट इज़ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल.
और अगर इनका टोटल लेस देन 1 होता है सो इट मीन्स इट इज़ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, राइट। सो देखो ये हमारा मैच होगा कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल से, और ये हमारा मैच होगा डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल से, और ये हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल से मैच हो जाएगा, राइट। सो गाइज बट इनके ऑप्शंस में प्रॉब्लम थी, क्योंकि देखो बी को जब हम 1 से मैच कर रहे हैं सो सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे, बट द पॉइंट इज कि ये सेकंड से नहीं, ये थर्ड से मैच होगा। सो आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि कौन सी सिचुएशन में कॉन्स्टेंट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा, बट इसके ऑप्शंस में गड़बड़ है, राइट। सो इसके मार्क्स सब स्टूडेंट्स को अलॉट किए गए थे। Next question is, in a short run, when a simple monopoly firm attain equilibrium and earns only normal profit, its level of output will correspond to. देखो यहाँ पे basically I think मैंने super normal profit की add on कर दी, but यहाँ पे सिर्फ normal profit की add on हो रही है बात की, कि अगर normal profit earn करता है so level of output क्या होगा, जहाँ पे marginal cost हमारी below होगी average cost से, वहाँ पे basically level of output draw होगा, राइट। सो आप इसका डायग्राम अपनी बुक से भी देख सकते हो, बाय मिस्टेक मैंने उसमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का एड ऑन किया डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 69, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट। सो फॉल्स स्टेटमेंट आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। सो पीक लोड प्राइसिंग इज अ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी वेयर प्राइस वेरीज विद द टाइम ऑफ द डे। एक बार हम डिस्कस करते हैं पीक लोड प्राइसिंग क्या होती है। रैंडम एग्जांपल लें कि भाई अगर आप मूवी देखने जाओगे वीकेंड पे, लाइक सैटरडे और संडे पे अगर आप कोई नई मूवी रिलीज हुई है देखने जाओगे सो आपको मूवी टिकट्स के लिए हाई पे करना पड़ेगा, राइट। और दूसरी तरफ कि भाई मान लो कि आप वीकडेज में जा रहे हो और आपको मॉर्निंग शो देखना है सो आपको उस टाइम पे कम प्राइस पे करना पड़ेगा। सो इट मीन्स कि जब लोड ज़्यादा होता है, जब अगर डिमांड ज़्यादा होती है उस टाइम पे वो हाई प्राइस चार्ज करते हैं, और जब डिमांड कम होती है तो वो कम प्राइस चार्ज करते हैं। सो इट मीन्स पीक प्राइस लोड प्राइसिंग इज़ रिलेटेड टू प्राइस वेरीज विद द टाइम ऑफ द डे। स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू है, बट हमें फॉल्स फाइंड आउट करनी है, राइट। वैल्यू प्राइसिंग इज द प्राइसिंग प्रैक्टिस ऑफ प्राइसिंग वेयर द प्राइस इज सेट बेस्ड ऑन इट्स वैल्यू टू द कस्टमर। रैंडम एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कोई बंदा है जिसको नॉवल रीड करना बहुत पसंद है, सो वो बंदा किसी फेमस राइटर का नॉवल 500 में भी बाय करना पसंद करेगा। दूसरी तरफ दूसरा बंदा जिसको नॉवल पसंद ही नहीं है उसको अगर आप वो चीज़ 200 रुपये में भी दोगे तो भी वो बाय नहीं करेगा। नॉर्मल सी बात है कि भाई कस्टमर को उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग प्राइस चार्ज करोगे सो उसको हम वैल्यू प्राइसिंग कंसिडर करते हैं, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। टू पार्ट टेरिफ रेफर्स टू ए प्राइस स्ट्रक्चर विच हैज़ टू पार्ट, ए लम्पसम चार्ज एंड ए वेरिएबल चार्ज, और ये बिल्कुल करेक्ट है। सो इसको भी हम देख लेंगे, मैंने डेफिनेशन इंक्लूड करी है। नाउ द पॉइंट इज कि वाई रैमसे प्राइसिंग इज नॉट करेक्ट हियर। ये हमने पीक लोड प्राइसिंग को एग्जांपल के थ्रू डिस्कस किया, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग को एग्जांपल के थ्रू डिस्कस किया, ठीक है। टू पार्ट टेरिफ इज अ फॉर्म ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वेयर इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इज कंपोज ऑफ टू पार्ट, लंपसम फी एज वेल एज पर यूनिट चार्ज। सो रैमसे प्राइसिंग की अगर हम बात करते हैं सो ये प्राइस लाइक ऐसी प्राइसिंग टेक्निक है जहाँ पे डिमांड इनइलास्टिक होती है, मीन्स लेस देन 1 होती है, और वो वहाँ पे हायर मार्कअप कंपोनेंट बेसिकली मोनोपोलिस्ट ऐड ऑन करता है। सो द पॉइंट इज कि वो इसलिए ऐड ऑन करता है क्योंकि लोग तो खरीदेंगे ही चाहे प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा ही क्यों ना हो, क्योंकि डिमांड इनइलास्टिक इन नेचर है और मोनोपोलिस्ट का मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना मेन ऑब्जेक्टिव होता है। सो द पॉइंट इज कि यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वो प्राइस हाई चार्ज करता है क्योंकि डिमांड इनइलास्टिक इन नेचर होती है। अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं, ये बोल रहा है कि भाई ये ऐसी मेथोडोलॉजी है प्राइसिंग की जहाँ पे फर्म रेगुलेट करती है मैक्सिमाइजेशन ऑफ एलोकेटिव एफिशिएंसी, कि भाई अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करके वो प्राइस हाई चार्ज करते हैं, लाइक एफिशिएंसी को इंक्रीज करके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना चाहते हैं। बट रियलिटी में रैमसे प्राइसिंग ये है कि भाई इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, कि अगर हम प्राइस इंक्रीज कर भी देंगे तो भी क्वांटिटी में उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसके थ्रू वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना चाहते हैं। बट यहाँ पे बोल रहा है कि भाई वो अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना चाहते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है, राइट।
So the next question is, the marginal utility analysis is based on a less valid assumption own. So basically less valid assumption hai marginal ki, given marginal utility of money and it is constant. Dekho, agar hum marginal utility of money ko like constant treat karenge aur ye sochenge ki wo given hai, so the point is ki bhai jab price mein agar change hoga, so dekho price mein agar change hota hai, kam hota hai ya zyada hota hai, so uska impact real income pe padega. ठीक है, नॉर्मल सी बात है. अब अगर हम ये कह देंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है, सो वो इनकम इफेक्ट को तो बेसिकली कंसीडर ही नहीं कर रहा है, और इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तीनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये वाली जो लाइक अजम्पशन है ये लेस वैलिड अजम्पशन है मार्शल की. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 71, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सब्स्टिट्यूबिलिटी, कॉम्प्लीमेंटेरिटी ऑफ द टू गुड्स, मार्जिनल रेट, सब्स्टिट्यूशन, और यहाँ पे इनका मीनिंग गिवन है. सो हमें पता है कि भाई कॉन्वेक्स टू ऑफ द इन, हमें पता है आईसी कर्व हमारा कॉन्वेक्स होता है. इक्वालिटी ऑफ रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू द प्राइस, देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई मार्जिनल यूटिलिटी एक्स ऑफ प्राइस, और वहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन होती है. सो सी को हम टू से मैच करेंगे, सुपर ईजी. सो इसके थ्रू सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए और राइट आंसर आपको मिल गया सेकेंड. नाउ द कन्वेक्सिटी ऑफ आईसी कर्व क्यों होता है, क्योंकि गुड्स सब्स्टिट्यूट इन नेचर होता है कि भाई हम एक का यूज़ कम करेंगे, दूसरे का यूज़ ज़्यादा करेंगे, एंड दीज टू गुड्स आर सब्स्टिट्यूट इन नेचर, राइट. नाउ क्वान्टिटी ऑफ सर्टन गुड्स सेक्रीफाइस फॉर ए लार्ज क्वान्टिटी ऑफ अदर गुड्स, सो ये क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारा, जैसे कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स. सो इसको हम स्लोप ऑफ आई सी कर्व भी बोल सकते हैं. नाउ सेपरेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट फ्रॉम द टोटल प्राइस इफेक्ट, इसको हम किससे शो करते हैं, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से, राइट. सो गाइस जैसे ही मैंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को मैच किया, मेरा राइट आंसर मुझे मिल गया, और आपको एग्जाम में इसी तरह करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्म्स प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ए लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स, लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स विल जनरली फॉलो. देखो लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स का मतलब है कि भाई फॉर एग्जाम्पल एक स्मार्टफोन कंपनी है, और वो स्मार्टफोन कंपनी बहुत सारे फोन्स करती है कि लाइक भाई ये वाला टच स्क्रीन ये है, इसमें ये फीचर है, ये वाला टच स्क्रीन फ़ोन में ये एडिशनल फीचर है, इसका प्राइस कम है, इसका प्राइस हाई है, इसका प्राइस और भी ज़्यादा हाई है. सो बेसिकली जहाँ पे लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स होते हैं, राइट. सो वेराइटी ऑफ गुड्स है यहाँ पे, इसलिए ये प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग है. कॉमन एग्जाम्पल प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग का लिया कि जैसे एप्पल फोन्स आता है लाइक आईफोन 5, 6, 7, अभी तो आईफोन 10, 11 तक पहुँच गया. सो द पॉइंट इज कि उनके प्राइस डिफरेंट होते हैं क्योंकि उनके डिफरेंट फीचर्स होते हैं. सो विद इन ए सर्टन प्रोडक्ट लाइन, कि है तो वो मोबाइल फ़ोन की लाइन और उसमें बहुत सारे अलग अलग फ़ोन्स हैं, अलग अलग फीचर्स हैं, और जहाँ पे वेराइटी ऑफ गुड्स की बात होती है वहाँ पे प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग इज मोर सूटेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल फर्म्स अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द लॉन्ग रन अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट. गाइज ये स्टेटमेंट हम दो बार डिस्कस कर चुके हैं कि वाई इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन सेलर विल अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, बिकॉज ऑफ फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ बैरियर. कि अगर शॉर्ट रन में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, सो बेसिकली फर्म्स एग्जिट कर जाएंगी, और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, सो बेसिकली बहुत ज़्यादा फर्म लाइक और फर्म्स अट्रैक्ट होंगी और एंट्री करेंगे, दोनों की वजह से नॉर्मल प्रॉफिट होगा सिर्फ लॉन्ग रन में. स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देना. नाउ ए फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द लॉन्ग रन एंड ऑपरेट एट मिनिमम एवरेज कॉस्ट लेवल, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि भाई वो लॉन्ग रन में जितने रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल होते हैं वो इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हैं, और मिनिमम एवरेज कॉस्ट होती है. And it invariably changes inversely to the change in its price. So guys, question को carefully read करना. Invariably का मतलब होता है always. Assertion हमारी बोल रही है कि भाई ये जो quantity होती है ना, ये हमेशा like ये always नेगेटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस के. अब देखो जो हमारा नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड है वो तो ये बोलता है कि भाई अदर थिंग्स अगर कांस्टेंट रहती है सो नेगेटिव होगा, बट कुछ चीज़ें, कुछ एक्सेप्शंस ऐसी हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है. सो इसलिए यहाँ पे इनवेरिएबली वर्ड गिवन है कि भाई हमेशा नेगेटिव रिलेशनशिप होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, और ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी. एक्सेप्शन लाइक फॉर एग्जाम्पल गिफ्ट एंड गुड्स, कि भाई गिफ्ट एंड गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है, वहाँ पे क्वान्टिटी
और प्राइस इन्वर्स रिलेशनशिप नहीं होता है, वहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन होता है, जैसे हमारे लाइक फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस होती हैं. सो वहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा, प्राइस और डिमांड इन्वर्स रिलेशनशिप नहीं होगा, राइट. सो लाइक ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है. द प्राइस इफेक्ट इज द नेट रिजल्ट ऑफ पॉजिटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एंड नेगेटिव इनकम इफेक्ट. ये बिल्कुल करेक्ट है कि प्राइस इफेक्ट नेट रिजल्ट होता है. सो द राइट आंसर इज थर्ड, असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजनिंग इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 76. सो गाइज, इकोनॉमिक कैपेसिटी, रिजर्व कैपेसिटी, इन दोनों को नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चन फ्रेम होता है. सो इकोनॉमिक कैपेसिटी ऑफ ए प्लांट रिप्रेजेंट्स इट्स आउटपुट लेवल, जहाँ पे एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट कॉन्स्टेंट होती है, और रिजर्व कैपेसिटी में जहाँ पे हमारी एवरेज कॉस्ट लाइक की ओवर द रेंज ऑफ प्रोडक्शन कॉन्स्टेंट हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल इकोनॉमीज, एक्सटर्नल इकोनॉमीज, कॉन्स्टेंट कॉस्ट विद आउटपुट एक्सपेंशन. सो ये देखो, कॉन्स्टेंट कॉस्ट विद आउटपुट एक्सपेंशन हमारा किससे हो जाएगा, रिजर्व कैपेसिटी से रिलेटेड, और कॉस्ट रिडक्शन विद आउटपुट एक्सपेंशन हमारा रिलेटेड हो जाएगा. देखते हैं इस क्वेश्चन में कौन सी स्टेटमेंट से. सो क्वेश्चन नंबर 77. सो एक्सेस कैपेसिटी ऑफ प्लांट, इट मींस कॉस्ट रिडक्शन विद आउटपुट एक्सपेंशन, रिजर्व कैपेसिटी का हमारा ये. सो गाइस, जब आप रिजर्व कैपेसिटी का मैच करोगे ना, ये दो हो जाएंगे आपके एलिमिनेट. रिसोर्टिंग टू न्यू टेक्नोलॉजी, देखो अब इंटरनल इकोनॉमीज की बात करते हैं. अब देखो, इकोनॉमीज मींस कि भाई जब आपकी एवरेज कॉस्ट डाउन आती जाती है, पर यूनिट कॉस्ट कम आती जाती है. इंटरनल मींस कि भाई ड्यू टू इंटरनल रीजंस, कि जब हम नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, सो हमारी अपडेटेड जो एवरेज कॉस्ट होगी पर यूनिट वो डाउन आती जाएगी. सो टेक्नोलॉजी में चेंज करना इज़ कम्प्लीटली इंटरनल. और अगर हम नए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन सेटअप कर रहे हैं आउटसाइड द इंडस्ट्री, सो इट मींस इट इज़ रिलेटेड टू एक्सटर्नल इकोनॉमीज. उनका बेनिफिट ये होगा कि भाई जो हमें एम्प्लॉयज मिलेंगे वो ट्रेन मिलेंगे, उनको पता होगा कि भाई कैसे हमें मशीनरी को हैंडल करना है, कैसे हमें प्रोडक्शन करना है. सो जब मैं बी को 3 से मैच करूँगी, सो मेरा 2 ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा और राइट आंसर फर्स्ट मिल जाएगा. सो गाइज, इकोनॉमिक कैपेसिटी और रिजर्व कैपेसिटी में डिफरेंस समझो. रिजर्व कैपेसिटी ऑफ प्लांट में होता है कि भाई आपकी कॉन्स्टेंट कॉस्ट रहेगी जब आप आउटपुट को एक्सपैंड करोगे, और इकोनॉमिक कैपेसिटी में आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी जब आप आउटपुट को एक्सपैंड करोगे, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 78. इन केस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और द एवरेज रेवेन्यू कर्व इज इक्वल टू यूनिटी, सो जब हमारी ए आर 1 के इक्वल होती है तो एम आर कैसे होगी. देखो, ये हमारा कर्व होता है कि लाइक ये हमारा कौन सा कर्व है, ये हमारा कर्व है एवरेज रेवेन्यू कर्व, या तो इसको हम डिमांड कर्व भी बोल सकते हैं, ठीक है. क्योंकि देखो, हमें पता है टोटल रेवेन्यू हमारा प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है, और एवरेज रेवेन्यू को हम क्यू से डिवाइड कर देंगे. सो हमारा एवरेज रेवेन्यू इक्वल होता है डिमांड कर्व के, राइट. सो जब हमारा एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू 1 होगा, सो एम आर सिचुएशन में 0 होती है, राइट. सो द पॉइंट इज कि जब इलास्टिसिटी ऑन डिमांड, एवरेज रेवेन्यू हमारा इक्वल टू 1 होगा, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू 0 हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओलिगोपोली प्राइसिंग, लोकेशनल प्राइस डिफरेंशियल, डिफरेंशियल प्राइसिंग, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, राइट. सो क्वेश्चन नंबर 79. सो देखो गाइज, लॉस लीडरशिप इज रिलेटेड टू प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग हाउ. अब प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग की बात हो रही है. सो भाई, एक प्रोडक्ट लाइन है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हैं. फॉर एग्जांपल कि एक प्रोडक्ट लाइन में 5 प्रोडक्ट है. सो इसमें होगा क्या कि मान लो कि अगर कंपनी ने ए का प्राइस कम चार्ज किया, सो बेसिकली अगर बी और सी का प्राइस ज़्यादा चार्ज कर रहा है, सो उसका लॉस इसमें कवर हो जाता है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग. सो अगर हम बात करें, जब मैं बी को 4 से मैच करूँगी, सो मेरे बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे और राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक है. ट्रेड चैनल डिस्काउंट इज लाइक डिफरेंशियल प्राइसिंग, भाई जिसका ऑर्डर जितना बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट डिस्काउंट वगैरह मिलेगा. सो प्राइसिंग बीइंग नॉन रिस्पॉन्सिव टू चेंजेस इन डिमांड एंड द कॉस्ट, कि भाई प्राइसिंग का डिमांड और कॉस्ट से कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, लाइक प्राइसिंग नॉन रिस्पॉन्सिवनेस होती है. सो इसमें प्राइसिंग किसके बेस्ड पे होती है, कि भाई प्राइस लीडरशिप. ओलिगोपोली में फ्यू फर्म्स होता है कि भाई जो फ्यू फर्म्स हैं, अगर एक ने प्राइस कम करा तो बाकियों को प्राइस कम करना पड़ेगा, चाहे डिमांड या कॉस्ट कुछ भी हो, ठीक है. तो इसके अकॉर्डिंग ये ओलिगोपोली प्राइसिंग. बेसिंग पॉइंट प्राइसिंग क्या होता है वो हम डिस्कस करते हैं. देखो,
बेसिंग पॉइंट प्राइसिंग के अंडर में लाइक इट इज़ अ जियोग्राफिक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जहाँ पे कंपनी जो गुड्स बनाती है जिसको सेल करती है उसमें लाइक गुड्स की कॉस्ट प्लस एडिशनल फ्रेट चार्ज भी इंक्लूड करके वो रिसीव करेगी कस्टमर से, जो डिपेंड करता है डिस्टेंस, राइट? सो अगर कोई बायर के नियर लोकेशन है तो उसको बेसिंग पॉइंट पे कम पे करना पड़ेगा, और जिसका अगर ज़्यादा दूर है तो उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा. सो द पॉइंट इज बेसिंग पॉइंट प्राइसिंग इज रिलेटेड टू लोकेशनल प्राइस डिफरेंशियल्स. एंड द नेक्स्ट इज डिफरेंशियल प्राइसिंग कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस रिजर्वेशन सर्विस नॉन पीक डिमांड कल्टिवेशन. इट मीन्स कि भाई नॉन पीक आवर्स में डिमांड को कल्टिवेट करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस किए जाएंगे, राइट? देखो अब डिफरेंशियल प्राइसिंग क्या होगा. हमने जैसे डिस्कस किया था कि लो प्राइसेस है अर्ली टाइम पे, अर्ली एंड इवनिंग मूवीज में, और वीकेंड पे अगर आप कार पार्किंग वगैरह करोगे आपको डिस्काउंट मिलेगा. सो इस तरह से जो पॉइंट्स होंगे वो हमारे डिफरेंशियल प्राइसिंग. कॉम्प्लीमेंटरी लाइक कि कस्टमर्स को जब वो वेट कर रहे हैं सर्विस सेंटर वगैरह में बैठने के लिए लॉन्च प्रोवाइड किया जाता है वो कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस है. रिजर्वेशन सिस्टम की अगर हम बात करें सो एयरलाइंस होटल्स सो इन सब के लिए आपको पहले से रिजर्वेशन टिकट्स अपनी लेनी पड़ती है, राइट? सो 80 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा. नॉन पिक डिमांड कि भाई जो वेकेशंस हैं मिनी वेकेशंस वगैरह पे वीकेंड्स पे वो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं ब्रेकफास्ट सर्विस प्रोवाइड कर रही है मैकडोनल्ड्स वगैरह. सो ये हमारा रिलेटेड टू हो जाएगा नॉन पीक डिमांड. सो गाइज ये थे हमारे 80 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के. आने वाली वीडियोस में हम 16, 17, 18 और 19 चार वीडियोस आपको मिलेंगे जिन पे हम सब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और गाइज आप अपनी वैल्यूएबल फीडबैक प्रोवाइड कीजिए कॉमेंट सेक्शन में. ठीक है, थैंक यू.